नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ और जितने सारे कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा वो सारे के सारे आपके ही डिमांड्स है और अपने ही कमेंट्स करके पूछा मतलब पूछे है, तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर आपके सामने डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। तो इस वीडियो को रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिएगा, मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, मेरे तरफ से सारे डेटा एडुकेशन पर्पस में है, काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी उसके नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए, बजाज फाइनेंस का पिछले दिनों का हालत ही खराब हो गया। मैंने आपको एक वीडियो बनाकर शेयर किया था कि बजाज फाइनेंस के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, पहले क्या बना, यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने के बाद फाइनली मुझे एक ब्रेकआउट तो मिला था, मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। अभी ब्रेकआउट होता क्या है और ब्रेकआउट कंफर्मेशन क्या है मैं सबसे पहले बता दूं। देखिए, जो कफ विद 100 पैटर्न्स का जो रेंज बनता है उस रेंज को मार्किंग करना, उसके ऊपर कोई ना कोई ग्रीन कैंडल आपको चाहिए जो उसको ब्रेकआउट करे। तो फाइनली इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट कंफर्मेशन का मतलब है इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे। तो अभी तक तो कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया तो इसलिए मैंने एंट्री नहीं लिया और मैं इंतजार कर रहा था कि मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो रहा है तो फिर से वो रीबैक करेगा। तो धीरे धीरे करके देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक भारी भरकम प्रेशराइज देखने को मिला और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे जो 200 डेज है इस डे को फाइनली दो दिन पहले ब्रेकडाउन किए थे। ब्रेकडाउन करने के बाद दो तरीके से सिनेरियो देखने को मिलता है, एक आयदार वो इसको रिटेस्ट करके नीचे गिरेगा और नहीं तो इसको फिर से रिवर्स करेगा। तो देखिए, इसको रिटेस्ट किया और उसके बाद ऊपर ब्रेक नहीं कर पाए तो इसके बाद फॉल देखने को मिला। अभी देखिए, ये जो फॉल हुआ है वो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये जो लेवल है दो तरीके से लेवल बन सकते हैं। यहाँ पे कंपनी के स्ट्रांगली क्या है, एक स्ट्रांगली इस लेवल में कंपनी के रेजिस्टेंस है, सॉरी माफी चाहता हूँ, सपोर्ट है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, नीचे साइड को सपोर्ट कहा जाता है, ऊपर साइड को रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो सपोर्ट के बाद ही देखिए बिग जंप देखने को मिला था। तो यहाँ पे देखिए, इस लेवल में टच करके भी वो वापस जा सकते हैं। अगर इस लेवल के नीचे आए तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है 6314 ए लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर कंपनी के ऊपर क्या ऐसा हुआ कि लगातार गिर रहा है। देखिए, जब मार्केट के मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट हो तो उस टाइम फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा प्रेशराइज देखने को मिलता है और देखा जाए तो एक तारीख को बजट भी आने वाला है, मतलब कल के दिन बजट भी आने वाला है। उस बजट के हिसाब से देखा जाए तो एक मोमेंटम जर्नी आपको देखने को मिल सकता है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकता है। उस बेसिस में मैं बात करूं तो कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा संभाल कर काम करिएगा, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि बजट के दिन ही मैं ट्रेड लूंगा, एंट्री लूंगा एज ए इंट्राडे के हिसाब से, तो मैं जरूर कहूंगा उस दिन एंट्री मत करिए क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। और रही बात इस कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कंपनी हमेशा एक बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस जनरेट किया। जैसे सेल्स रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो रेवेन्यू बराबर है, बराबर नहीं उससे भी बहुत ज्यादा है, 10,700 से भी 14,000 करोड़ तक रेवेन्यूज को बढ़ा है, मतलब एटलीस्ट 3,500 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज को ग्रोथ किया। उसके साथ इंटरेस्ट पेमेंट किए, एक्सपेंस को मेंटेन किए, सब कुछ करने के बाद नेट प्रॉफिट जो 2,900 करोड़ बना था वो बढ़ के हो चुके 3,600 करोड़। तो इसका मतलब एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट 2,900 करोड़ से बढ़ के हो चुके 3,600 करोड़, तो अलग लेवल का एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले। उस बेसिस में कंपनी का नेट जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, वो भी देखिए 0.41% से घटके हो चुके 0.3137%। इसका मतलब कंपनी की जो एनपी है वो भी यहाँ पे कम कर चुके हैं। जितना फाइनेंस कंपनी खुद के एनपीए को कम करेंगे उतना ही उस कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से लेवल को आपको यहाँ पे देखने को मिला है। अभी बाकी देखिए, इस कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब इन्वेस्टर जो है वो एक भी शेयर बेचने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा डीएस ने इस बार क्वांटिटी ऐड किया 1% के आसपास और एफएस ने भी देखिए कुछ क्वांटिटी ऐड किए, 20.41 था अभी 20.92% बन चुके हैं। तो इसका मतलब प्रोमोटर के बाद एफएस डीएस ने कुछ क्वांटिटी ऐड किया और प्रोमोटर ने कुछ स्टेक को बेचा और पब्लिक ने भी कुछ स्टेक को बेचा। तो जब इंस्टीट्यूशन इतना ज्यादा बुलिश है तो जब भी उस टाइम में अच्छी कंपनी अगर करेक्शन में दिखे तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से आपको दोबारा शायद ना मिले। तो देखिए, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हूँ और साथ ही साथ जब जब मुझे ट्रेड मिलता है तब तक मैं एक शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग भी कर लेता हूँ। तो रही बात, मैं इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला तो इसलिए मैं इंतजार करूंगा और बाकी आपके क्या ओपिनियन है वो भी मुझे शेयर करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। मुझे बहुत बार मुझे बहुत भर भर के कमेंट्स आ रहा है
कि सर जब से आईपीओ आया है तब से लेकर कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं, ऐसे क्या कंपनी में खासियत नहीं है कि कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं? ऐसे बिल्कुल नहीं है। हमेशा आप एक बात को ध्यान रखना, जब कोई कंपनी अच्छा खासा प्राइस में मतलब लिस्टिंग देखने को मिले तो उसके बाद हमेशा प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो ये जो सीनारियो देखने को मिला है, ये एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग का सीनारियो है। तो आप ही कहेंगे सर इतना बड़ा गिर रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग तो है, मान लेता हूँ, कितना गिरेगा? देखिए ये तो किसी को पता नहीं है क्योंकि कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पीवीएस का है ही नहीं। तो कितना गिरेगा, तो एक रेंज में बना कर दिया हो, इस रेंज के एक ट्रायंगल रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं, आइदर इस नीचे साइड को ब्रेक डाउन करे, उसके बाद इस सपोर्ट को वो फिर से टेस्ट करे, उसके बाद अगर फॉल देखने को मिले तो एक बड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा, बड़ा सा फॉल देखने को मिलेगा। और दूसरा एक सिनेरियो भी हो सकता है कि ऊपर साइड में कोई ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दे और उसके बाद फिर से एक बार रिटेस्ट करे, उसके बाद जर्नी दिखाए तो एक बड़ा सा धमाका देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पे इस तरीके से कुछ सिनेरियो बने तो प्रीवियस जो स्विंग हाई है उस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात कंपनी के वॉल्यूम्स का, देखिए वॉल्यूम्स दिन के दिन वीक होता जा रहा है, इसका मतलब जो बायर सेलर है वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, अभी किसी न किसी साइड में वो जर्नी करने के लिए तैयारी करेंगे। तो रही बात इस कंपनी के लास्ट जो डेटा है, लास्ट जो क्वार्टर का जो रिजल्ट आया दिसंबर मंथ का, आप देखेंगे तो सेल्स में कमियां देखने को नहीं मिलेगा। सेल्स लास्ट क्वार्टर को भी बीट किए और ईयर ऑफ ईयर बेसिस को भी बीट किया। तो इसका मतलब कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस दोनों के ही जो एस्टिमेट है उस एस्टिमेट को बीट कर पाए। और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखेंगे तो 148 करोड़, 160 करोड़, 170 करोड़, तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। तो जब कंपनी इतना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है तो उस कंपनी के ऊपर मेरे हिसाब से डरना नहीं चाहिए, आज नहीं तो कल वो रीबैक करेगा और अच्छा खासा आपको ग्रोथ भी दे सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऐसे इन्वेस्टर प्रोमोटर्स से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। मान लेता हूँ इंस्टीट्यूशन के पास उतना ज्यादा होल्डिंग्स नहीं है क्योंकि हाल ही में लिस्टिंग हुआ कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन उतना ज्यादा जल्द से जल्द इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि कुछ टाइम देखना चाहते हैं वो कि कंपनी एक्चुअली किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। मेरे जितने ओपिनियन है, मेरे खुद के ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हूँ, आपके ओपिनियन भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर मैंने कुछ गलत बता दिया तो आप उसके ऊपर कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स को जरूर मतलब रेक्टिफाई करूंगा और जरूर उसके ऊपर कुछ सीखने को मिले तो जरूर सीखूंगा। तो हमेशा सीखने के लिए सीख कर आगे बढ़ना होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम है एशियन पेंट। देखिए एशियन पेंट वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है, इसके ऊपर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हूँ, उसके साथ साथ जब जब ट्रेड मिले तब तब मैं ट्रेड भी लिया हूँ। तो एक रेंज में आपके सामने इस कंपनी के ऊपर शेयर किया हूँ। देखिए टॉप में अगर देखेंगे तो तीन बार ऑलमोस्ट यहाँ पे टॉप बन चुके हैं, तीन बार ऑलमोस्ट टॉप बन चुके हैं और बॉटम में भी बहुत बार एक स्ट्रांगली सपोर्ट के हिसाब से वो एक रेंज को क्रिएट करते चले जा रहे हैं। तो ये जो रेंज बना, इस रेंज के बाद अगर इस लेवल को रिटेस्ट करके वापस गया तो सोचना फिर से एक बड़ा जर्नी देखने को मिल सकता है। अभी ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो इसका लो बना था, इसका जो लो बना ये लो कहाँ पे बना, वो हाई लेवल में बना। अगर इसके नीचे, इस लेवल के नीचे अगर लो बनता तो इसको कहा जाता है लोअर लो, अगर इसके ऊपर लो बनना है तो इसको कहा जाएगा हायर लो। तो हायर लो जब बन रहा है तो उस सिनेरियो में कंपनी आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहा है, इसका मतलब कंपनी इसी तरीके से रेंज को फॉलोअप करके एक ही रेंज के ऊपर वो नैरो हो रहा है। तो ये जो रेंज जब नैरो होंगे उसके बाद हायर साइड को ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद एक धमाका परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर इस कंपनी के ऊपर फिलर के लिए क्या करें? देखिए अभी आपको देखना है कि आप इन्वेस्टर है कि ट्रेडर है। अगर इन्वेस्टर है तो मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर करो। अगर मैं एज ए इन्वेस्टर के हिसाब, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचूंगा तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा क्योंकि टॉप लेवल से अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, कितना करेक्शन है वो मुझे देखना है। टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखो तो ऑलमोस्ट 17%, हमेशा मैं अच्छे कंपनी के ऊपर 15% करेक्शन होने के बाद ही क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं एंट्री करूंगा और एज ए ट्रेडिंग के हिसाब से जब तक कोई पैटर्न ना बने तब तक मैं कोई एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। बाकी रही बात इस कंपनी के परफॉर्मेंस का, तो क्वार्टर रिजल्ट में आपको धमाका परफॉर्मेंस देखेगा। तो कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अच्छा खासा सेल्स को ग्रोथ किया, एक्सपेंस मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए करीबन 1000 करोड़ से 1400 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी कंपनी यहाँ पे दे चुके हैं, जिसके कारण के वजह से एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहे, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है।
तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि चार्ट पैटर्न जिस तरीके से बना है मेरे हिसाब से वो इस सपोर्ट को वो रीटेस्ट करेगा, उसके बाद कुछ सिनेरियो बन सकते हैं। अगर इसको ब्रेक डाउन करे उसके बाद रीटेस्ट करके फिर से कोई रेड कैंडल बने तो सोचना एक बड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से रीटेस्ट करके ऊपर गया तो सोचना फिर से वो रीबैक करने का कोशिश करेंगे। बाकी आप जरूर इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज बन रहा है वो रेंज में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसी रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड करने वाला है मेरे हिसाब से। बाकी मेरे हिसाब से तो मार्केट नहीं चलेगा, तो मार्केट के ओपिनियन के हिसाब से चलेंगे तो बिल्कुल आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। बाकी नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है फिर भी एक स्मॉल कैप टाइप, 4,100 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी बहुत दिनों से एक अपडेट दे रहा था कि अब कंपनी बोनस देने वाला है, तो फाइनल डेट आ चुके हैं, फरवरी 1 कंपनी आपको हर एक के बदले आपको 4 शेयर देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।